आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। संघ शक्ति कलयुगे के ध्येय सूत्र के साथ निकला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन, हुआ स्वागत। संगठित हिंदू ही सशक्त राष्ट्र का आधार है, इस भाव से संघ की स्थापना डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने 1925 में नागपुर में की थी। आज भारत की शक्ति और सामर्थ्य दोनों बढ़ा है। वर्तमान में विश्व की भारत की ओर देखने की दृष्टि भी बदली है। आज भारत विश्व का मार्गदर्शन कर रहा है। सन 1925 में स्थापित संघ 100वें वर्ष में है। सन 1925 में लगाया राष्ट्रवाद जनसेवा का ये पौधा अब वट वृक्ष के रूप में स्थापित हो चुका है। इतने समय में अनेकों उतार चढ़ाव संघ ने देखे हैं। अपने उद्देश्यों के प्रति अडिग, सिद्धांतों पर निरंतर अमल ने सदैव संघ को मजबूती दी है। आज निकले पथ संचलन को संबोधित करते हुए प्रांतीय बौद्धिक प्रमुख सुनील जी बागुल ने उक्त बातें कहते हुए बताया कि संघ ने व्यवस्था परिवर्तन से लेकर सामाजिक परिवर्तन के अनेकों कार्य किए हैं। 100वें वर्ष में कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, स्व का भाव, पर्यावरण व नागरिक कर्तव्य को लेकर लक्ष्य तय किया है। भारत प्राचीन काल से ही विश्व गुरु है, आगे भी रहेगा। हमें अपने गौरवशाली इतिहास को सदैव याद रखना चाहिए। समाज को भी संगठित रहकर अपनी शक्ति जागृत करने की आवश्यकता है। जब जब देश पर विपत्ति आती है, संघ का स्वयं सेवक निस्वार्थ भाव से सेवा में लग जाता है। भारत को परम वैभव पर ले जाने के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक में नागरिक अनुशासन के भाव भरना तथा भारत के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए स्वदेशी जीवन शैली अपनाना अब लक्ष्य के साथ चलना होगा। नगर के खेतिया सेंधवा राजमार्ग स्थित टैगोर विद्यालय से पथ संचलन प्रारंभ हुआ व शहर के टैगोर चौक, राणा प्रताप चौक, शिवजी चौक, माता मंदिर चौक, हनुमान चौक, गांधी चौक, सुभाष चौक, बैरियर चौराहे सहित मुख्य मार्गों से होकर गुजरा। सैकड़ों की संख्या में स्वयंसेवक उपस्थित रहे। संचलन नगर के मुख्य मार्गों से होता हुआ पुनः टैगोर विद्यालय में संपन्न हुआ। संचलन का विभिन्न मार्गों व चौराहों पर पुष्प वर्षा से स्वागत व अभिनंदन किया गया। विभिन्न संगठनों व मातृशक्ति द्वारा सुंदर रंगोली बनाई, साथ ही पुष्प वर्षा कर स्वयं सेवकों का अभिनंदन किया गया। पथ संचलन में स्वयं सेवक संघ की गणवेश में कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। कुछ छोटे छोटे स्वयं सेवक के उत्साह से कदम मिलाए चलते रहे। सरस्वती शिशु मंदिर संस्थान द्वारा स्वागत द्वार लगाकर पुष्प वर्षा से स्वयं सेवकों का अभिनंदन किया। पुलिस प्रशासन के अधिकारी अपनी टीम के साथ पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी करते नजर आए। राष्ट्रीय स्वयं सेवकों का पथ संचलन जब राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरा तो दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई व बड़ी संख्या में नागरिक स्वयं सेवकों के उत्साह वर्धन करते रहे। आजाद हिंदुस्तान लाइव के लिए खेतिया से राजेश नाहर की रिपोर्ट।